हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WSQ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और कीवर्ड रिसर्च टूल की, जिसका नाम है कीवर्ड्स एवरीवेयर टूल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम कीवर्ड्स इनसाइट कलेक्ट कर सकते हैं कीवर्ड्स एवरीवेयर टूल की हेल्प से, जो आता है बेसिकली एक एक्सटेंशन के फॉर्म में। तो चलिए सीधे चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर पर, वहां देखते हैं इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने ब्राउजर में, और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम लोग गूगल वेब स्टोर। और गूगल वेब स्टोर में, क्योंकि हम लोग को डाउनलोड करना है कीवर्ड्स एवरीवेयर एक्सटेंशन, तो सीधे यहाँ पर एक्सटेंशन सेलेक्ट करने के बाद हम लोग टाइप करते हैं कीवर्ड्स एक्सटेंशन। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला आपका जो एक्सटेंशन है, ये बेसिकली कीवर्ड्स एवरीवेयर कीवर्ड्स टूल है, इसी को सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करा करें, तो डेफिनेटली आप ये भी देखा करें कि उसका जो यहाँ पर जो ओवरव्यू है, जो रिव्यूज हैं, और सपोर्ट जो उसका सपोर्ट सिस्टम है उसको देखें, और उससे रिलेटेड जो दूसरी एक्सटेंशन है उनको भी देखें। तो यहाँ पर आपको रिसर्च करने को काफ़ी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो एक्सटेंशन है बेसिकली अपडेटेड है कि नहीं अपडेटेड है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट फरवरी 1, 2019 को इसको अपडेट किया गया है, इसका मतलब इस पर काम हो रहा है, ये आउटडेटेड नहीं है, ये रेगुलरली इसको अपडेट किया जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन काफ़ी कुछ मिल जाएगी, तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि ये कीवर्ड, ये जो हमारा एक्सटेंशन है, ये किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसके काफ़ी पुराने जो प्रीवियस वर्जन्स हैं वो सारे भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि किसी भी टाइप का जब आप कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर थोड़ा सा उसको स्टडी करिए, उसकी रिसर्च करिए, ताकि आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आ जाए। एनीवेज फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले क्या था कि इसको नॉर्मली यूज कर लेते थे इस एक्सटेंशन को, बट अभी क्या है, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम आई इस एक्सटेंशन में, यहाँ पर कुछ स्पैमिंग हुई थी और कुछ प्रॉब्लम आई थी इस एक्सटेंशन में, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको इम्प्रूव कर दिया है। और अब यहाँ पर जो ये एड ऑन है, जो ब्राउजर एड ऑन है, इसको आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप जो है फ्री API की मिलेगी, और उसको इस कीवर्ड टूल में आप एंटर करेंगे, और उसके बाद आप इसको यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूँ, जिससे कि जो API की है वो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर अब इन्होंने मेरे को ईमेल कर दिया है, तो जल्दी से मैं वहाँ से API की को निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मेल में ये API की मुझे मिल चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये API की है। तो मैं इसको सीधे कॉपी कर लेता हूँ इस API की को, और उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर एक्सटेंशन दिख रहा है पर आपको क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर आपको API जो आपने कॉपी करी थी उसको पेस्ट कर देना और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। नाउ योर API की इज वैलिड। और इस तरीके से आप जो है आपका ये एक्सटेंशन आप काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑन है, ये ग्रीन बटन ऑन ऑफ है। तो यहाँ से सबसे पहले आप अगर चाहें तो अपना जो एक्सटेंशन है उसको ऑफ कर सकते हो, चाहें तो आप ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं किसी एक सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। यहाँ गूगल पर मैं टाइप करता हूँ सबसे पहले एक कीवर्ड, विच इज डिजिटल मार्केटिंग। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड टाइप किया, यहाँ पर आपको जो है कीवर्ड एवरीवेयर टूल की वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड का आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, इसकी कॉस्ट पर क्लिक दिख रही है, इसका कंपटीशन दिख रहा है, और यहाँ पर एक छोटा सा आपको स्टार बना हुआ दिख रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टार को किस तरीके से यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो राइट हैंड में आपको भी क्या मिल रहा है, बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स मिल रहे हैं, और उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स का वॉल्यूम क्या है, उनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट पर क्लिक क्या है, और उन पर कंपटीशन कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। नीचे ये तो बेसिकली जो कीवर्ड मैंने टाइप किया उससे रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं, और जो यूजुअली लोग टाइप करते हैं, जो यूजुअली यूज़र एंटर करता है। देखिए, दो तरीके से इन्होंने यहाँ पर डेटा उठाई है। एक जो डेटा है उनकी, वो कौन सी डेटा है कि जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड टाइप किया, तो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड से रिलेटेड जो कीवर्ड है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। दूसरे एंड की हम बात करें तो वो ये है कि जो इस कीवर्ड से मिलते जुलते कीवर्ड जो बेसिकली टाइप करते हैं लोग, जो यहाँ पर इनपुट करते हैं यूजर्स,
सर्च इंजन में वो यहाँ पर वो सारे कीवर्ड्स हैं। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल जाती है। और मैं इनको अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कॉस्ट पर क्लिक आपको दिख रहा है ये डॉलर में है, तो आपको नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो करेंसी वाला टैब है इसको आपको चेंज कर देना है इंडियन रुपी में। और इसके बाद अगर हम अपने इस क्वेरी को वापस रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो आप देखेंगे कि इस बार जो कॉस्ट पर क्लिक की डेटा है वो आपको रुपीज में मिल रही है। एंड देन सेकेंड थिंग इज यहाँ पर जो ये स्टार बटन बना हुआ है ये क्या होता है, जैसे आप बहुत सारे कीवर्ड्स की रिसर्च कर रहे हैं, उनकी डेटा की रिसर्च कर रहे हैं, और अब आप उनको सेव करना चाहते हैं, तो नॉर्मली आपको इस जो स्टार पर क्लिक करना है इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा आपके फेवरेट्स में। तो यहाँ पर अगर आप वापस जाते हैं और उसके बाद माई कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कीवर्ड आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया था वो बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब बहुत सारे कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कर सकते थे यहाँ से, जैसे ये पर्टिकुलर एक कीवर्ड था, देन यहाँ पर एक सेलेक्टेड कीवर्ड है, और इसी के साथ रैंडमली मैं तीन चार कीवर्ड्स और सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर वापस हम लोग चेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कीवर्ड्स हम लोगों ने वहाँ पे सेलेक्ट किए थे वो सारे हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। बाद में आप चाहे तो इन कीवर्ड्स को एक्सेल के फॉर्म में, सीएसवी के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में कॉपी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स एवरीवेयर एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं, और ऑन द गे विदिन विदिन ऑन द गो विदिन सेकेंड्स आप जो है कुछ अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी कीवर्ड आप टाइप करेंगे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करियर इन इंडिया, अब इस कीवर्ड को मैंने टाइप किया तो यहाँ पर आपको इस कीवर्ड की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो काफ़ी जल्दी ये काम आपके लिए हो जाएगा, ऑन द गो है, आपको एक स्पेशल कोई टूल में लॉग इन करना है सब करना नहीं पड़ता है। तो नॉर्मली अगर आप ज़्यादा कीवर्ड्स पर काम करते हैं या आप देखना चाहते हैं कि कौन सा कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम क्या है, तो डेफिनेटली अगर आप कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो एज ए नॉर्मल आप इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगा ना, बहुत जो बड़े टूल्स हैं उनके जैसी एकदम एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती, बट हाँ ऑन द गो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप नॉर्मली इसको ले सकते हैं। यहाँ से कुछ कीवर्ड्स को आप फिल्टर कर सकते हैं, उसके बाद जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड या अगर आप पेड टूल्स यूज कर रहे हैं तो इन कीवर्ड्स को लेकर वहां पर फिर फर्दर आप रिसर्च कर सकते हैं। देन अगर हम लोग इसमें और भी ज्यादा चीजें देखना चाहें तो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर एनालाइज पेज का दिख रहा है, तो सबसे पहले इस फीचर को भी यूज कर लेते हैं। हम लोग चलते हैं सीधे अपनी वेबसाइट के ऊपर wscubetech.com, और इसके बाद यहाँ पर अपने एक्सटेंशन को क्लिक करते हैं और एनालाइज पेज पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको जितने भी जो कीवर्ड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। जैसे एक पर्टिकुलर कीवर्ड है एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कंप्लीट कि वो कहाँ पर है वेबसाइट में। जैसे यहाँ पर वेब एक कीवर्ड था तो वेब कहाँ पर है वो H1 में मिल रहा है। देन टी स्टैंड फॉर बेसिकली टाइटल एंड डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन, तो अब वेब वाला जो कीवर्ड है वो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में है, उसकी डेंसिटी कितनी है 1.61 है, अकरेंस कितनी बार हुआ है 20 टाइम्स, मंथली वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि कई लोग समझते हैं कि कीवर्ड्स एवरीवेयर जो है कंप्लीट हमको ऑन पेज एनालिसिस करके दे देगा, बट ये ऑन पेज स्पेसिफिक नहीं है। ये जो बेसिकली टूल्स है ये आपके कीवर्ड्स के लिए होता है कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड्स हैं जिनका अकरेंस बहुत ज़्यादा है या जिनकी हम डेंसिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कीवर्ड्स एवरीवेयर एक्सटेंशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं तो सेटिंग्स में आप देख रहे हैं कि एपीआई की पहले था तो हम लोगों ने उसको फिल करके अपने जो हमारा एक्सटेंशन है उसको वैलिडेट कर दिया। देन कंट्री का मतलब है कि अगर आप अपने कीवर्ड का स्कोप जो है वो किसी बाउंड्री में नहीं रखना चाहते हैं, विद इन कंट्री नहीं रखना चाहते हैं, तो आप ग्लोबल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कंट्री स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं, तो यहाँ से आप कंट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं। देन करेंसी का ऑप्शन आपको मिलता है, तो अभी आपने देखा ही कि हम लोगों ने किस तरीके से करेंसी चेंज करी, और उसके बाद यहाँ पर आपको हाईलाइटेड वॉल्यूम, हाईलाइटेड सीपीसी और हाईलाइटेड कंपटीशन का एक पार्ट मिल रहा है जिसको मैं भी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग करियर इन इंडिया, और इसका वॉल्यूम कितना था 590 पर मंथ,
तो मैं यहां पर एक चेंज करता हूं, जैसे मैंने इसका हाईलाइटेड वॉल्यूम पर क्लिक किया और विच इज ग्रेटर देन, और यहां पर कर देता हूं 500। अगर कोई भी वॉल्यूम जो 500 से ग्रेटर होगा तो वापस इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, और अब आप देख रहे हैं कि यहां पर वो हाईलाइट हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो वॉल्यूम था वो 500 से ज्यादा था। तो इस तरीके से जो कुछ स्पेसिफिक आपको कस्टमाइजेशन करने होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि कोई भी कीवर्ड जो पर्टिकुलर किसी पेज पर आ रहा है और अगर उसको वॉल्यूम ज्यादा है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत सारी सपोर्टेड वेबसाइट्स हैं, तो अगर आप किन्हीं वेबसाइट्स पर इसको नहीं यूज करना चाहते तो यहाँ से यू कैन सिंपली गो एंड डिसेबल दिस। देन मिसलिनियस सेटिंग्स हैं, और मिसलिनियस सेटिंग्स में कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन था एक्सपोर्ट CSV, यानी जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है इसको CSV के फॉर्म में आप या तो सेव कर सकते हैं, या अगर आपको जो भी यहाँ पर कीवर्ड्स दिख रहे हैं ये ऐड ऑल कीवर्ड्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे कीवर्ड्स आपके फेवरेट्स में आ जाएंगे। फिर बाद में आप इनको एक्सेल में या CSV में लेकर आप इन पर रिसर्च कर सकते हैं और उस रिसर्च के बाद आप इनको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन को लेकर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियोस हम बनाते जा रहे हैं उन सभी के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।